नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआ न्यूज़। में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। महिला सरपंचों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने एवं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जनपद सभा कक्ष गुना में रखा गया। यह कार्यशाला जनपद पंचायत गुना के तत्वावधान में आयोजित की गई, जहां पर सभी महिला सरपंचों को उनके कार्य क्षेत्र एवं कार्यशैली के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों एवं सरकार की कई महती योजनाओं से भी अवगत कराया गया। प्रतिनिधि उस दिन जन्म लेता है, प्रतिनिधि किस दिन जन्म लेता है, प्रतिनिधि उस दिन जन्म लेता है। पैसा नहीं खर्च करना है, ज्ञान बांटना है अपना। क्या ज्ञान? सिर्फ बातें कि कैसे महिला सशक्त हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है किताबी ज्ञान है। आज हम आपको मध्य प्रदेश पंचायत का बांट रहे हैं तो हमको ये लग रहा है कि आप उसको पढ़ लेंगे, आप उसको जाके ऐसे फिर क्या करेंगे, आप उसको पढ़ना पड़ेगी और क्या करेंगे। अभी एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, क्योंकि महिला से ही परिवार बनता है। आप कैसे छोटे छोटे खर्चों को बचाती है हमेशा कि नहीं ये मुझे खर्च नहीं करना, इसे मुझे बचाना है, ये मुझे अपने बच्चों में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। लेकिन क्या आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा आपके बच्चों के लिए उपयोगी होगा? क्या आपके द्वारा दी गई जो भी विरासत है, कितने बड़े हैं, जब तक आप लोगों ने ये शिक्षा उन्हें नहीं दी कि समाज सिर्फ महिलाओं से बना हुआ है, इतनी महिलाओं को शिक्षित करना है, मुझे किस काम पर नजर रखनी है कि अच्छा रोड जो बन रहा है आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि रोड में गुणवत्ता है या नहीं। आपने गांव के 10 लोगों से पूछ लिया, आपने गाँव की ये जरूरत पूछी कि सबसे जरूरी कहाँ है, पहले कहाँ रोड बनना चाहिए। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले स्वर्गीय आरक्षक अशोक उरेती की शहादत के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मान देने हेतु आज स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके नाम का एक बोर्ड लगाया गया। इस बोर्ड पर उनके नाम एवं उनके फोटो के साथ 7 फरवरी 2017 को उनके साथ हुई पूरी घटना को लिखित रूप में दर्शाया गया है। साथ ही जिस बहादुरी से उन्होंने बदमाशों का मुकाबला कर अपने प्राण न्योछावर कर दिए पर एक कैदी को अपनी पकड़ से दूर नहीं जाने दिया, इन सभी बातों को भी इस बोर्ड पर दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बोर्ड को यहाँ पर लगाने का मकसद पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्थानीय पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन को लेकर आज काफी गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। जहां एक और चुनाव के लिए नामांकन भरने हेतु किसी बात के लेकर एबीवीपी एवं डीएसओ के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, वहीं एनएसयूआई के कैंडिडेट को भगदड़ एवं धक्का मुक्की के चलते अपना नामांकन भरने का मौका ही नहीं मिल पाया। वहीं डीएसओ एवं एबीवीपी के झगड़े के बाद डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पुलिस व कॉलेज प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुलिस व कॉलेज प्रशासन का एबीवीपी का साथ देने की बात कही है। साथ ही कई डीएसओ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कॉलेज एवं पुलिस प्रशासन के लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सरकार
मैं जब एक मेरा कैंडिडेट जो था उसका नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए बाहर आया तो उन लोगों ने मुझे देखकर और मारपीट शुरू कर दी। इसमें था अनिल रघुवंशी, राहुल रघुवंशी और उसके साथ कम से कम 10 से 15 लोग थे जो मेरे को मारपीट शुरू करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे छूटकर और अंदर भागा हूँ। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मैंने आपत्ति लगाई, उनको शिकायत की, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इतना कोई ठोस वो नहीं ले रहा है बिल्कुल। अंदर कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि इधर उधर से मोबाइल लिए जा रहे हैं और उनसे बात की जा रही है, लेकिन जब प्राचार्य को बोला जा रहा है कि आप इससे कुछ कीजिए, लेकिन प्राचार्य कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि किस टाइप से हम देख रहे हैं कि हमारे पीजी कॉलेज में भी इस टाइप से जो घटनाएँ हो रही हैं उनको नकारा जा रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी है उनके जो लोग आकर मारपीट कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। बस लोग आँख बंद कर ये सब करा रहे हैं। पुलिस वाले भी इन सबको देख कर पीछे की ओर हट रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि कॉलेज एक आम छात्र के साथ मारपीट हो रही है, लेकिन उसके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसको हमने लिखित में भी दिया है और हम आगे भी इसके आगे कार्रवाई करने के लिए आगे जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर पीजी कॉलेज के लिए हम लोग सारी लड़कियों के साथ इतना अन्याय हुआ है, कम से कम 7-8 लड़कियां एबीवीपी के वाले गुंडे कहूं कि क्या कहूं भैया कहने में तो मुझे शर्म आ रही है। उन लोगों को वहां खड़े खड़े अपनी राजनीति दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे थे कि हम लोग प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये छात्र संघ चुनाव है, हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे और कुछ परिणाम नहीं निकला उसका। देखिए पहले लड़ाई हुई, लड़ाई दंगे की है, कुर्सी मेरे कुर्सी मारी है, देखिए मेरे कितनी जोर से लग गई है कुर्सी मारी, हम लोगों को बाहर भगाया, इतना टाइम वेस्ट किया। उसके बाद जब हम पहुंचे वहां पर थोड़ा खाली किया पुलिस वालों ने, तब भगा दिया हमको वहां से कि अब टाइम खत्म हो गया, अब नहीं हो सकता। ये सोची समझी राजनीति है या फिर क्या है, ऐसा चलेगा क्या? किसके द्वारा किया जा रहा है? एबीवीपी द्वारा। मैंने सीआई से, एबीवीपी की सारी लड़कियां अंदर चली गई, एबीवीपी के सारे लड़के अंदर चले गए। अब हम लड़कियां कहां घुस के जाए, वो लोग धक्का धोखी देके हम लोग अंदर घुस जाए। और हम लोग फिर भी करेक्ट 11 बजे गेट पे थे, एबीवीपी वाले भैया आए, क्या नाम है आपका, ताला लगाया, हम लोगों से मना कर दिया। आपका नाम क्या है? मेरा अंबिका चौहान, बीए फर्स्ट ईयर पीजी कॉलेज की छात्र। नामांकन फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं किए गए हैं। हमारे प्रशासन ने सही समय 9 बजे नामांकन पत्र भेजना शुरू कर दिए थे। छात्र 10 बजे आए हैं। छात्रों की ये आपत्ति थी कि हम शुल्क ऑनलाइन नहीं कटा सकते, ऑनलाइन नहीं खुला है, उसके लिए प्रशासन ने उन्हें ऑफलाइन स्वीकृति दे दी है। और इसके बाद नामांकन चलते रहे, अचानक गेट पे दो दल कुछ छात्र आपस में भिड़ गए, उसको तत्काल हमारे संज्ञान में आया और झगड़ा तुरंत समाप्त कर दिया गया और इसमें चुनाव प्रक्रिया कहीं भी बाधित नहीं हुई। अभी सच्चे से बाहर नारेबाजी हो रही है, वो अब नारेबाजी गलत है क्योंकि मैंने स्वयं बाहर जाके और हमारे यूनियन एडवाइजर डॉक्टर बी श्रीवास्तव ने अनाउंस किया कि जो भी छात्र नामांकन बनना चाहे अभी अंदर आ जाए। कोई भी छात्र उस समय तक नहीं था जब हमने नामांकन 11 बजे बंद किया, कोई छात्र बाहर नहीं था, इसके बाद ही छात्र आए हैं। एनएसयूआई का कहना है कि उनका नामांकन भरा नहीं हुआ है। नहीं, अगर और लेट से, हमारे यहाँ कोई एनएसयूआई एबीवीपी या डीओसी नाम की कोई दल नहीं है। हमारे यहाँ केवल छात्रों का चुनाव हो रहा है, छात्र हैं, गैर दलीय चुनाव हो रहा है। जो छात्र समय पे आ गए हैं उनके सभी के नामांकन भरे जा चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? उनका कहना था कि हम लोग गेट पे खड़े थे 11 बजे। नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है, ये आरोप निराधार है क्योंकि मैं स्वयं और यूनियन एडवाइजर दोनों ही गेट पे खड़े हुए थे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वी के तिवारी, प्रभारी प्राचार्य। यह
यातायात पुलिस द्वारा आज स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बिना हेलमेट वाहन चालकों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। इस चालानी कार्यवाही में यह खास बात रही कि रास्ते से गुजरने वाले जितने भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दुपहिया वाहनों से गुजर रहे थे उन पर भी यहाँ यातायात पुलिस द्वारा चालान किया गया। गौरतलब है कि यह चालानी कार्यवाही 1 अक्टूबर 2017 से शुरू की गई है जो कि 31 दिसंबर 2017 तक लागू रहेगी। डीजीआना न्यूज अपने सभी दर्शकों से विनम्र अपील करता है कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। यह हेलमेट आपके जीवन की रक्षा करता है एवं हेलमेट समस्या नहीं है बल्कि एक समाधान है। विदाउट हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ जो कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो अभियान चल रहा है उसी के तहत आज मुजा विवाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ जो भी विदाउट हेलमेट वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ चलाने का रोक दिया। प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जीन घर का बताया जा रहा है जहां पर एक युवक ने एक परिवार को प्लाट दिलाने के नाम पर उनसे 60,000 रुपए वसूल लिए एवं जब उस युवक से प्लाट मांगा गया तो वह दादागिरी पर उतारू हो गया। वहीं जब पीड़ित पक्ष ने उक्त युवक से प्लाट के लिए ज्यादा मन्नतें की तो वह उन पर झूठा केस थोपने की धमकी भी देने लगा। अंत में परेशान होकर पीड़ित परिवार विगत दिवस सिटी कोतवाली टीआई विवेक अस्थाना की शरण में पहुंचा जहां उन्होंने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्हें दिया। हम लोग काहे के लिए बैठे हैं यदि तुमसे 60,000 रुपए दे दिए हम लोग काहे के लिए बैठे हैं बताओ ना। ये सब पता थोड़ी था कि ये इतना ही बड़ा हो जाएगा वो तो ऐसे अब पता पड़ा है कि ऐसे ही कर रहा है ये तो कहीं तो सस्ती मिल रही हो तो भैया मेरे को बता दे तो 60,000 रुपए में क्या भैया कहने को है ना तुम्हें ना हड्डी मिल पे जा लो। मैं भैया मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे हड्डी मिल पे कहने नहीं कहने यहाँ पे एक जना प्लाट काट काट के मिलता है क्या अपन ले लेते तो वो जो कहीं क्या कहते हैं उसको 60,000 रुपए हमारी भाभी और मैंने एजेंट के थ्रू हमने उसको दे दिए। अब उसके बाद में हम हफ्ते पहले गए मैं भैया तुम ना कह दो हम कुछ कच्चा मच्चा मकान बना ले तो कहने लगा हाँ दे दूंगा ये मैं भैया पैसे वापस दे दो मैंने नहीं लेना मैंने तुम तो जो है एजू से करो क्योंकि मैंने एजू को दिए पैसे के भूखो मैं दिलवा दूंगा प्लाट। मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि ना मैं ना छोटा सा मकान लेना था किसी जगह पे तो मैं ना 60,000 रुपए दिए थे और एजू के थ्रू मैंने मेरे को कोई छोटा मोटा प्लाट दिलवा दो तो उसने ना मेरे को प्लाट दिखाया जब कयूम ने तो हमने ना जब उसके एजू को सो किया मैं भैया हम प्लाट तुमने ना कहाँ पे दिलाया अपन चल छोटा मोटा मकान बना ले तो है ना जब इससे हमने किया कि भैया तू हमारे के लिए ना दे तो हमारे से लड़ाई मड़ाई करने लगा गाली माली बकी फिर एजू को उल्टा सीधा बोलने लगा बहुत बदतमीजी से बोलने लगा फिर मैं ना क्या कहते एजू ने वो मेरे को घर पे पहुंचा दिया। इसके बाद में ना बहुत इन्हें इनके लोग ना एजू के लिए मारने के लिए आ गए तो ऐसा थोड़ी है मेरा भतीजा अगर मेरी हेल्प कर रहा तो उसके लिए आप है ना ऐसा कुछ करो। तुमने तो ये क्या कि हाँ मैं ना क्या कहते दे दूंगा नहीं मैं दे दिया और चार जो कुछ करना कर ले पुलिस में ना रिपोर्ट लिखवा दे बहुत गलत बदतमीजी के साथ में गलत बहुत बोला। मधुसूदनगढ़ में स्मैक पीने के कारण हो रही मौतों को लेकर आज हमारे संवाददाता टोनी शाह ने जाना मधुसूदनगढ़ के लोगों के सुझाव। स्मैक पीने के कारण हो रही मौतों को लेकर उनकी क्या राय है इस मामले को लेकर सबसे पहले हमारी बात हुई मधुसूदनगढ़ बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा से जिन्होंने बताया कि मधुसूदनगढ़ में स्मैक की लत के कारण युवा पीढ़ी इसकी ओर आकर्षित हो रही है। मधुसूदनगढ़ में कई महिलाओं का स्मैक पीने वालों की वजह से जिंदगी खराब हो चुकी है। महिलाओं के घर के घर उजड़ गए हैं और इस ओर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है जबकि प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए। मधुसूदनगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र भी लगाना चाहिए। ये शासन को भी इसमें बुलाकर होना चाहिए। लोग छोटी छोटी मात्रा में इसमें लाकर बेच रहे हैं। युवा हमारे देश का युवा पूरी तरह जोर आकर्षित हो रहा है इसके कारण से युवाओं की जिंदगियाँ खराब हो रही हैं। अनेक लोगों की लाइफ खराब हो चुकी है। अनेक लोग मरणासन्न स्थिति में है। अनेक लोग बेघर हो चुके हैं। अनेक महिलाएं जिनकी जीवन इन नशेड़ियों के द्वारा ख़राब किया जा चुका है। इस तरह से इसके प्रति जागरूक होना चाहिए प्रशासन को। जागरूक होकर नशा मुक्ति केंद्र खोलकर जगह जगह इस ओर प्रयास किए जाने चाहिए। इस
से देश में जो नशे के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है वो समाप्त। वहीं डीजीआना न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नगर अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा है कि प्रशासन को मधुसूदनगढ़ की ओर खास ध्यान देना चाहिए और मधुसूदनगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र लगाना चाहिए ताकि जो लोग नशे के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का एक मौका मिले। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर समय समय पर नशा मुक्ति कैंप लगाए जाएं जिससे जो युवा नशे की दलदल में फंस गया वो इससे उबर रहे और अपने रोजगार की ओर अग्रसित। इसी दौरान हमारे मधुसूदनगढ़ संवाददाता टोनी शाह ने मधुसूदनगढ़ युवाओं से भी उनकी राय जानी। इसी संबंध में हमारी बात मधुसूदनगढ़ के निवासी बंटी अहरवार से हुई। उन्होंने बताया कि जो लोग स्मैक बेच रहे हैं सबसे पहले प्रशासन को इन पर शिकंजा कसना चाहिए। जब मधुसूदनगढ़ में स्मैक बिकना ही बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि लोग स्मैक का सेवन भी बंद कर दें। आगे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस मामले में काफ़ी ढील बरत रहा है क्योंकि इसमें एक बेचने वालों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस दौरान अन्य कई युवाओं से भी हमने इनकी राय जानी जिन्होंने इसमें की लत से मधुसूदनगढ़ को बचाने के लिए अपने कई कीमती सुझाव डीजीआना न्यूज़ के साथ साझा किए। मेरा बस यही कहना है कि जो बेच रहे हैं उनके अड्डों पर लगाम दिया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को उससे जो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या किसकी ढील मानी जाए इन पर कार्रवाई करने को लेकर? वैसे तो अपन ज़्यादातर तो पुलिस वालों की ढील मानेंगे और कौन कार्रवाई करेगा इसके अलावा, जनता कर नहीं सकती जी, ये अपना मानना। बंद कराई जाए, काफ़ी लोग ग्रस्त हैं इसमें से, देखा जा रहा है एक टाइम को खाना भी नहीं मिल रहा पर इसमें जरूर पी रहे हैं। हाँ तो इसे बंद कराया जाए। आप किसको दोषी मानते हो? प्रशासन को, सारा प्रशासन दोषी है इस चीज़ को लेके। अगर प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में इसमें बंद करवा दे, जब 2 मिनट में नोटबंदी हो सकती है तो इसमें क्यों नहीं बंद हो सकती? सरकार ने जब 2 मिनट में नोट बंद करा दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी राय है कि इसको जल्दी से जल्दी बंद करा जाए। कैसे बंद हो, कुछ उपाय? उपाय पुलिस वालों की लापरवाही है, इसमें पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए। क्या इनकी मिली भगत के कारण ही मधुसूदनगढ़ में ये गोरख धंधा चल रहा है? मिली भगत के कारण, पुलिस की मिली भगत के कारण ही चल रहा है। क्या और कुछ इनके कोई इलाज है जिनसे कि ये लोग ठीक हों? पुलिस ध्यान दे तो ठीक हो जाएगा सब। पुलिस ध्यान दे लेगी तो अपने आप वो बेचने वाले पकड़ा जाएंगे और ठीक हो जाएगा। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। आरोन तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित शहरों ग्राम में सब स्टेशन का शिलान्यास व भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह के करकमलों से संपन्न हुआ। वहीं निरंतर उनके प्रयासों से करोड़ों की लागत से बन रहे अस्पताल का निरीक्षण भी उन्होंने किया। गौरतलब है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर जिले में सर्व सुविधा युक्त प्रथम श्रेणी की अस्पताल शहरों में बन रही है। करते रहते थे लेकिन फिर इस साल किसी तरह मैंने ये काम स्वीकृत करवाया और लगभग 2 करोड़ रुपए से आपका पूरा यहाँ पर स्टेशन बनेगा। इसमें हमारे जो आए ठेकेदार साहब जिनको काम बीच में मिला है नोएडा से, आपका नाम अभिषेक जी आए हैं, यह काम ऑफशोर कंपनी को दिया गया है जो बॉम्बे से है और उन्होंने इनको पूरा काम दिया है करने के लिए। इनने कहा है 99% इस कार्यक्रम के बाद क्षेत्रीय विधायक आरोन नगर के वार्ड क्रमांक 1 में शिवचरण कुशवाहा के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। तत्पश्चात चक्का जाम कर रहे किसानों की मांगों को लेकर व्यापारियों से विधायक ने कुछ रुपए नकदी देने की बात कही। अंत में वे चंद्रशेखर शिक्षक भंडारे में विधायक जयवर्धन सिंह ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष मिंटू लाल जैन, मंडी समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़, जनपद अध्यक्ष अशोक रघुवंशी सहित हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को पूरे मध्य प्रदेश में ये कहा था कि जब फसल बिकेगी तो मंडी में न्यूनतम 50,000 रुपये नकद मिलेंगे
लेकिन आज ये स्थिति है कि किसान को नगद पैसा नहीं मिल पा रहा है। कल आगर में भी और अशोकनगर में भी किसान आंदोलित था, और आज मैं जब गया था आरोन मंडी में तो आरोन में भी किसान निराश है, गुस्से में है, दुखी है, क्योंकि एक तो किसान को अभी सही दाम नहीं मिल रहे हैं और दूसरा मुद्दा ये है कि जो नगद पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आज हमने मंडी में ये पता भी किया तो ये मालूम पड़ा कि ऐसा कोई स्थाई लिखित में ऐसा आदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार के माध्यम से नहीं आया है जिसके द्वारा किसान को नगद पैसा इतना दिया जाए। लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं, हमने बात की है कि कम से कम 50,000 रुपये नगद हर किसान को दिया जाए, और जो भी इसमें भाव में अंतर आ रहा है वो किसान को मिलना चाहिए। उल्टा भावांतर में वो ये कर रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य का रेट है उसका डिफरेंस और जो तीन राज्यों की जो औसत रहेगी, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अच्छी जो रेट रहेगी उसका औसत निकाल के, लेकिन जब सवाल आता है ज़मीनी स्तर का तो वहाँ पर जनता को लाभ नहीं मिल पाता है उनकी योजनाओं में। यही एक स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश में, और इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जनता परिवर्तन चाह रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बनेगी। और आज हम शहरों गाँव में नया सब स्टेशन का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। बहुत समय से वहाँ पर मांग थी, क्योंकि शहरों और उसके आसपास शहरों गांव, झाजोन गांव, पिपरोदा गांव, इन सब गांव में लाइट बहुत कम आती थी। ऐसे भी गांव थे जैसे पाटन है, भैसाइला है, मऊआ खुगरी है, जहाँ पर तार तक नहीं थी, खंबे तक नहीं थे बिजली के, तो इस सब स्टेशन के माध्यम से इन सब गाँव में अच्छी लाइट मिलेगी। और जो पहले दिक्कत वोल्टेज की आरोन में भी थी, शहरों में भी थी, वो दिक्कत वोल्टेज की भी दूर हो जाएगी। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। म्याना में आज एक ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों के घायल होने की खबर है। म्याना क्षेत्र अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला आज यहां पर देखने को मिला कि केवल एक ही नर्स के भरोसे पर यहां का पूरा अस्पताल चल रहा है। आज भी यही हुआ कि घायल तड़पते रहे लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। आनन-फानन में घायलों को गुना रेफर किया गया, लेकिन यह कब तक चलेगा यह एक बड़ा सवाल है। यहां गौर करने लायक बात यह भी है कि कोई भी डॉक्टर म्याना अस्पताल में रात्रि विश्राम नहीं करता है, जबकि म्याना क्षेत्र हाईवे से लगा हुआ है, जिसके चलते ज़्यादातर एक्सीडेंट की घटनाएं यहां पर होती रहती हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। यदि समय पर उपचार मिल जाता है तो एक्सीडेंट वालों को राहत मिल जाती है, पर यदि समय पर उन्हें उपचार नहीं मिल पाता तो लगभग 30 किलोमीटर दूर गुना उन्हें रेफर करना पड़ता है। इसमें कई बार हालत बद से बदतर हो जाते हैं। गौरतलब है कि म्याना में एक साल पहले नवजात शिशु की मौत के बाद रात्रि में हंगामा भी हुआ था। उसके दूसरे दिन गुना CMHO रामवीर सिंह रघुवंशी और गुना ग्रामीण SDOP श्रद्धा जोशी ने मोर्चा संभालकर ग्रामीणों को समझाइश दी थी एवं डॉक्टरों को वहां पर रात में रुकने की नसीहत भी दी थी, पर धरातल पर अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका में मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बता रहे हैं, वहीं म्याना से नई सराय की 15 किलोमीटर की ये सड़क इतनी ख़राब है कि उस पर गड्ढों में सड़क को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि यह सड़क एक साल पहले खोदी जा चुकी है। हालांकि यह रोड वजीदपुर से म्याना तक 37 किलोमीटर की है, जिसे टुकड़ों में बनना था, लेकिन पता नहीं क्यों इसे पूरा एक साथ खोद दिया गया है, जबकि काम यहाँ पर काफ़ी धीमी गति से टुकड़ों में चल रहा है। ऐसे में यह रोड खराब होने के कारण नई बसों को भी खटारा कर देती है। ऐसा नज़ारा आपको म्याना में देखने मिल सकता है कि आप रोड से जा रहे हों और बस खड़ी हो और सवारियां रोड पर ही बैठी हों।
म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सैनिकों को तनाव मुक्त रखने हेतु कराई गई स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में 16 सैनिकों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता जिला होमगार्ड कार्यालय गुना में सामान्य परेड कार्यक्रम के दौरान सैनिकों के उत्साहवर्धन एवं उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए कराई गई थी। यह रेस डिस्ट्रिक्ट कमांडेड होमगार्ड सुमन बिसोरिया द्वारा कराई गई। इस प्रतियोगिता में सुरेश रघुवंशी विजेता रहे, जिन्हें होमगार्ड कमांडेड द्वारा 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सबसे स्लो अरे भागना नहीं है सॉरी हाँ ठीक है जी, कंपटीशन हो रहा है हिचरनगर में, मोहन दास में, बहुत बढ़िया अच्छा कंपटीशन, बहुत बढ़िया कंपटीशन, पैर नहीं लगना चाहिए, बहुत बढ़िया स्लो जाना है, स्लो बहुत बढ़िया डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।